काम को आसान बनाने वाले किचन टिप्स। नंबर एक, सबसे बड़ी समस्या प्याज काटते समय आंसू आना। बस ज़रूरत पड़ने पर आधे घंटे के लिए प्याज को फ्रिज में रख दें और आप बिना आंसू बहाए उनके स्लाइस कर सकते हैं। नंबर दो, आपने करी में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। हम में से सबके साथ ऐसा होता है, आप इनमें से किसी भी चीज़ को जैसे कि आलू, ब्रेड, गेहूं के आटे की बॉल बनाकर करी में डाल सकते हैं। उन्हें आधे घंटे से एक घंटे के लिए करी में डाल दें और फिर करी परोसते समय उन्हें निकाल लें। नंबर तीन, पालक उबलने के बाद अपना रंग खो देता है। इससे बचने के लिए पालक को उबालने के तुरंत बाद 5 मिनट तक बर्फ़ के ठंडे पानी में डाल दें। नंबर चार, यदि आपके पास बर्फ़ का ठंडा पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, पालक या मटर को पकाते समय बस एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें, पालक और मटर का गहरा रंग बना रहेगा। नंबर पाँच, राजमा या छोले बनाना चाहती हैं लेकिन रात भर उन्हें भिगोना भूल गए हैं, बस उनको उबलते पानी में डालें, ढक्कन के साथ कवर करें और 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें और आप उन्हें जैसे बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएं। नंबर छः, बिना दरार के उबले हुए अंडे पानी पाने के लिए उबलते पानी में थोड़ा नमक डालें, तब उन्हें सीधे ठंडे पानी में डाल दें ताकि योग को मलिनीकरण से बचाया जा सके। नंबर सात, जब आप स्टर फ्राई कर रहे हों तो शुरू में आपके द्वारा अधिक तेल की आवश्यकता होना आम है, लेकिन इसे सीधे पैन की सामग्री पर डालने के बजाय किनारों के सहारे डालें ताकि यह सही तापमान तक गर्म हो जाए, जब तक कि यह तेल पैन के बीच तक नहीं पहुंच जाए। नंबर आठ, नींबू का रस निकालने से पहले उन्हें थोड़ी देर गर्म करके फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो उन्हें गर्म पानी वाले बाउल में डाल सकती हैं या उन्हें कुछ देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर सकती हैं। नंबर नौ, जब भी हम गोभी बना रहे हों तो उसकी गंध से बचने के लिए उसमें ब्रेड का एक स्लाइस डालें। नंबर दस, करी के लिए मसाले भुनते समय तीव्र रंग के लिए उसमें चुटकी भर चीनी डाल दें। नंबर 11, अगर दूध उबल जाए तो उसे साफ़ करना बहुत सिरदर्द का काम होता है। इससे बचने के लिए जब भी आप दूध उबालें तो दूध उबलने के वाले बर्तन पर एक लंबी लकड़ी की चम्मच रख दें। नंबर 12, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है लेकिन हर किसी को करेला टेस्टी नहीं लगता। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए कटे हुए करेलों को नमक वाले पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें, पानी निकाल कर पकाएं। नंबर 13, लहसुन या मछली की गंध आपके हाथों से आ रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए 1 मिनट के लिए स्टेनलेस स्टील से बनी किसी भी चीज़ पर अपने हाथ को रगड़ें। यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अपने हाथों को सिंक पर रगड़ने की कोशिश करें। नंबर 14, क्विंग फिल्म या एल्युमिनियम फॉयल को भूल जाओ, सावर कैप के साथ अपने भोजन को कवर करें। इलास्टिक सावर कैप को धोया और पुनः उपयोग किया जा सकता है और यदि ये पारदर्शी हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि अंदर क्या है। नंबर 15, हरी मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले उनके तनों को हटा दें और उन्हें कागज़ में लपेट दें, वे बहुत लंबे समय तक रहेंगे। नंबर 16, यदि आपको किसी कच्चे फल या सब्जी को जल्दी से पकाना चाहते हैं तो इसे एक सेब के साथ पेपर बैग में डालें। सेब इथाइलेने नामक अम्ल का उत्सर्जन करता है जो पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। नंबर 17, आप जानते हैं कि चीज़ों को जल्दी से पकाया कैसे जाए लेकिन इसे धीमा कैसे करें। बहुत तेज़ी से पकने से रोकने के लिए केले के तने के गुच्छों को एल्युमिनियम पन्नी से कवर करें। नंबर 18, सब्जी को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज के वेजिटेबल स्टोरेज वाले सेक्शन में कागज़ के तौलिए या पतले मुलायम सूती कपड़े बिछाएं और फिर सब्जी या फ्रूट रखें। नंबर 19, चीज़ केक या पनीर जैसे नरम खाद्य पदार्थों को चाकू के बजाय डेंटल फ्लॉक से काटने की कोशिश करें, इससे वो अच्छे से कटेंगे। केक को अच्छे से काटने के लिए गर्म पानी में डूबा हुआ चाकू इस्तेमाल करें। चाकू को पहले पोंछें और फिर केक काटें, हर स्लाइस के लिए दोहराएं। नंबर 21, गुई फिजी ब्राउनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है लेकिन इन्हें साफ सुथरे चौड़े पीस में काटना किसी सपने जैसा हो सकता है। अपने धातु वाले चाकू की बजाय एक प्लास्टिक चाकू का उपयोग करके आपको इसके साफ सुथरे पीस मिलेंगे। नंबर 22,
बच्चों को किसी विशेष आकार का सैंडविच चाहिए, चाकू की बजाय पिज्जा कटर का उपयोग करें, इससे आप मनचाही आकार पा सकते हैं। नंबर 23, बचे हुए पिज्जा या नान को गर्म करने से यह सूखा और बेस्वाद हो सकता है। माइक्रोवेव में पिज्जा स्लाइस को गर्म करते समय साथ में एक कप पानी रखें, उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। इसी तरीके की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।